दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज बांग्लादेश के खिलाफ पहले ही T20 मैच में रोहित शर्मा इतिहास रच सकते हैं। महज 8 रन बनाते ही हिटमैन न सिर्फ विराट कोहली को पछाड़ देंगे बल्कि T20 इंटरनेशनल मैच में सर्वाधिक बनाने वाले रन वो बल्लेबाज बन जाएंगे। इसके अलावा बात करी जाए तो वो लगातार अच्छे प्रदर्शन में दिख रहे हैं। दरअसल टीम इंडिया के नियमित कप्तान कोहली इस समय T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में पहले स्थान पर हैं। कोहली ने 72 मुकाबलों में 50 की औसत से 2450 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 135.28 का रहा। उन्होंने T20 क्रिकेट में 22 शतक भी जड़े हैं। इस सूची में रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर आते हैं। अगर बात करी जाए तो रोहित की, तो रोहित ने 98 T20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 4 शतक और 17 अर्धशतक भी बनाए हैं, जिसकी बदौलत उन्होंने 2443 रन बनाए। इस दौरान रोहित शर्मा की औसत 32.14 की रही जबकि स्ट्राइक रेट 136.55 का रहा। इतना तो तय है कि रोहित शर्मा 3 मैच की सीरीज में किसी भी मुकाबले में ये रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में विराट को आराम दिया गया है। इसके अलावा देखा गया कि भारत पहली बार घरेलू मैदान में बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज खेलने जा रही है। दोनों देशों के बीच T20 मैच होने वाले हैं। दिल्ली में 3 नवंबर से होने जा रहा मैच और देखने वाली बात है कि आज के इस मुकाबले में कितने रिकॉर्ड तोड़ते हैं रोहित शर्मा, ये देखना अहम होगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स पर। हर्ष की रिपोर्ट।